दोस्तों आज मैं सीरियल एटर्नी एट लॉ के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने इससे पहले के 3 एपिसोड को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर सीरियल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जा करके आप सारे एपिसोड को देख सकते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में जेनिफर सीरियल बनकर के अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मैजिक शो को देखते हैं जहाँ पर डाउन ब्लेजी नाम का एक मैजिशियन अपना शो दिखा रहा होता है, लेकिन उसके मैजिक से उसकी ऑडियंस बोर हो रही होती है। तभी डाउन ब्लेजी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए ऑडियंस में से एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मेडिसिन होता है। मेडिसिन ने ड्रिंक पी रखी होती है इसलिए वो लड़खड़ा रही होती है। इसके बाद में डाउन ब्लेजी मैजिक से गुलाब के फूल लाता है और मेडिसिन को देता है, लेकिन किसी को भी ये जादू पसंद नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि डाउन ब्लेजी के पास में बम की तरह ही एक रिंग होती है। वो उस रिंग की मदद से एक पोर्टल खोल लेता है। ये देख करके ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। तभी डाउन ब्लेजी मेडिसिन को पोर्टल में भेजने लगता है, लेकिन वो डर रही होती है। तभी डाउन ब्लेजी कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है प्यारी लड़की, क्योंकि मैं बहुत ही शानदार मैजिशियन हूँ। इसके बाद में वो लड़की को अलग अलग पोर्टल में भेजने लगता है। अगले सीन में हम नेपाल के काठमांडू को देखते हैं जहाँ पर बोंग कमर ताज में आराम फरमा रहा होता है और वो वहाँ पर टीवी पर एक शो देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके ऊपर से मेडिसिन गिरती है। ये देख करके बोंग हैरान रह जाता है। वो मेडिसिन से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तब मेडिसिन कहती है कि उसे नहीं पता, मैं तो डाउन ब्लेजी का शो देख रही थी और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ये सुनकर के बोंग गुस्से में आ जाता है क्योंकि डाउन ब्लेजी कमर ताज का ही मैजिशियन होता है। वहीं हम सीहल्क को देखते हैं जो कि निकी के साथ में रेस्टोरेंट में होती है। तभी निकी जेनिफर से कहती है कि तुमने मैचर पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी, क्या किसी लड़के ने तुम्हें मैसेज किया, जिस पर जेनिफर मना कर देती है। तभी निकी जेनिफर का फोन ले लेती है और वो कई सारे लड़कों को मैसेज करती है, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आता है। जिस पर निकी कहती है कि तुम्हें सीहल्क की प्रोफाइल बनानी चाहिए, इससे बहुत सारे लड़के तुम्हें मैसेज करेंगे और तुम्हारे साथ डेट भी करेंगे, लेकिन जेनिफर इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद में वो अपने ऑफिस चली जाती है। तभी जेनिफर के ऑफिस में बोंग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। वो जेनिफर से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं किसी पर केस करना चाहता हूँ। जेनिफर कहती है कि आखिर तुम किस पर केस करना चाहते हो। तब बोंग कहता है कि डाउन ब्लेजी नाम का एक मैजिशियन है, वो पहले हमारे साथ में कमर ताज में जादू सीखा करता था, लेकिन वो अपने जादू का गलत इस्तेमाल करने लगा। तब उसे कमरताज से निकाल दिया, लेकिन वो अब कमरताज में सीखे हुए जादू को पब्लिक को दिखाता है और लोगों को अलग अलग डायमेंशन में भेजता है, और ये एक अपराध है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो कमरताज के जादू का इस्तेमाल ना करे। तब जेनिफर कहती है कि जब डाउन ब्लेजी कमरताज में जादू सीखने आया था तब क्या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जिस पर बोंग कहता है कि हमारे यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये सुनकर के जेनिफर कहती है कि फिर तो केस लड़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ ना तो कोई गवाह है और ना ही सबूत है। तभी बोंग मेडिसिन को दिखाता और कहता है कि यह है गवाह। इसके बाद में सीएल बोंग से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसका विजिटिंग कार्ड ले लेती है। इसके बाद में बोंग वहां से चला जाता है। इसके बाद में सीएल बोंग के साथ में डाउन ब्लेजी के पास जाती है और उसे लीगल नोटिस देती है और उसे कहती है कि तुम केस को यहीं पर खत्म कर सकते हो अगर तुम जादू को दिखाना बंद कर दो, लेकिन डाउन ब्लेजी इसके लिए मना कर देता है और वो बोंग का मजाक उड़ाने लगता है। तभी बोंग उसे अपनी मैजिक की एक ट्रिक दिखाता है और वहां से चला जाता है। अब जेनिफर को मैचर पर एक डेटिंग का नोटिस आता है, इसलिए वो रात में एक लड़के के साथ में डिनर पर जाती है, लेकिन जब जेनिफर उससे बात करती है तो वो लड़का उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी वो लड़का खाने का बिल जेनिफर के नाम पर ही पड़वा देता है और वहां से चला जाता है। अब जेनिफर उदास हो जाती है। तभी उसे निकी की बात याद आती है और वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर में सीहल्क वाली फोटो लगा देती है। इसके तुरंत बाद ही सीहल्क को बहुत सारी डेटिंग की नोटिफिकेशन आने लगती है। ये देख करके सीहल्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले दिन कोर्ट में सीहल्क जैसे कहती है कि डाउन ब्लेजी कमर ताज में सिखाए गए मैजिक का पब्लिक में यूज करता है जो कि इलीगल है, और मेरा क्लाइंट बोंग कमर ताज का सोशल सुप्रीम है, इसलिए वो चाहता है कि डाउन ब्लेजी हमेशा के लिए जादू को छोड़ दे। तभी जज सीहल को गवाह पेश करने को कहते हैं। इसके बाद में बोंग मेडिसिन को पोर्टल से बुला लेता है। मेडिसिन अब भी नशे में होती है। वो बोंग के ऊपर आकर के लुढ़कना शुरू कर देती है, इससे बोंग नर्वस होने लगता है। इसके बाद में मेडिसिन बताती है कि मैं जब डाउन ब्लेजी के शो में गई थी तो उसने मुझे अपने जादू से दूसरी जगह पर भेज दिया जहां पर मैं मरते मरते बची थी। फिर उसने मुझे बोंग के पास में भेज दिया, जिसके बाद बोंग ने मेरी मदद की। तभी डाउन ब्लेजी का वकील कहता है कि मेरे क्लाइंट ने कोई भी नुकसान नहीं किया है, वो तो अपने मैजिक से लोगों को इंटरटेनमेंट करते हैं। तभी जज कहता है कि इस केस की सुनवाई कुछ और दिन चलेगी, तब तक दोनों पार्टी को अपने लिए और भी सबूत इकट्ठे करने होंगे, और जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक डाउन ब्लेजी अपना शो कर सकता है। इसके बाद में बोंग मेडिसिन को लेकर के वहां से चला जाता है। अब शाम को जेनिफर फिर से डेटिंग पर जाती है और एक एक करके बहुत सारे लड़कों से मिलती है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता है। तभी सीहल की मुलाकात एक डॉक्टर
से होती है जो कि उसे पसंद आ जाता है। वहीं डाउन ब्लेजी रात में अपना शो कर रहा होता है, वो फिर से जादू की मदद से एक कबूतर बना देता है और वो कबूतर एक अंडा दे करके चला जाता है। तभी उस अंडे में से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ये देख करके सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन तभी डाउन ब्लेजी बड़ी ही सफाई से मॉन्स्टर को एक पोर्टल में भेजने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी उस पोर्टल से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आकर के सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देख करके डाउन ब्लेजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही बोंग के पास मदद के लिए जाता है। बोंग मॉन्स्टर्स को देख करके डाउन ब्लेजी पर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद में बोंग मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और वो एक एक करके उन्हें पोर्टल में भेजने लगता है, लेकिन बोंग अकेला उन मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता, इसलिए वो डाउन ब्लेजी को सीहल को बुलाने को कहता है। जब डाउन ब्लेजी सीहल को कॉल करता है तो वो फोन नहीं उठाती है, क्योंकि सीहल उस डॉक्टर के साथ में बिजी होती है और वो उसे किस करने वाली होती है। तभी बोंग वहां पर आ जाता है और वो समझ जाता है कि वो आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तभी बोंग सीहल से मदद मांगता है, लेकिन सीहल को यह अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी डेटिंग खराब हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी बोंग के साथ में चली जाती है और उन मॉन्स्टर को पीट करके पोर्टल से भेजने लगती है। तभी सीहल डाउन ब्लेजी को मॉन्स्टर से डराने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम कल कोर्ट में अपनी गलती को मान लोगे। मॉन्स्टर को देख करके डाउन ब्लेजी डर जाता है, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद में बोंग और सीहल मिलकर के सभी मॉन्स्टर को पोर्टल से भेज देते हैं। इसके बाद में बोंग सीहल को वापस से डेटिंग पर भेज देता है, जिससे सीहल डॉक्टर के ऊपर जा करके गिरती है। इसके बाद में सीहल डॉक्टर को उठा करके ले जाती है। अब दोनों मिलकर के पूरी रात मस्ती करते हैं। अब अगली सुबह डाउन ब्लेजी जब सीहल के असली रूप को देखता है तो वो उसे छोड़ करके चला जाता है। इससे सीहल को बुरा लगता है। तभी जेनिफर के पास में एक लेटर आता है जिसमें टाइटेनिया ने उस पर केस किया होता है, क्योंकि जेनिफर ने अपना नाम सीहल रखा होता है और इस नाम को टाइटेनिया ने पेटेंट करा रखा होता है। इससे सीहल परेशान हो जाती है। अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि बोंग और मेडिसिन एक साथ में होते हैं और उनकी खूब जम रही होती है। और इसी के साथ में एपिसोड 4 का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको आने वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।